नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं निफ्टी मिड कैप पर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसराइल और ईरान के बीच जो इस समय चल रहा है उस पर। ओवर द वीकेंड ये न्यूज आई कि इवन यूएस ने भी कहा कि ईरान जो है इसराइल पर अटैक कर सकता है, बदला ले सकता है। किस चीज का बदला लेना है? देखिए, ईरान की एक एम्बेसी थी सीरिया में, तो जो सीरिया में एम्बेसी थी उस पर इसराइल ने हमला कर दिया और इसराइली हमले में काफी लोग जो थे उनके हलाक हो गए, यानी कि खत्म हो गए। तो अब भाई इसराइल के ऊपर ईरान जो है वो भी हमला करने को तैयार बैठा हुआ है। और शनिवार सुबह सुबह की न्यूज है, इवन द यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बिडेन साहब, उन्होंने भी कहा है कि मुझे लगता है, उन्हें लगता है, मतलब उन्हें लगता है कि जितना वो सोच रहे हैं उससे भी जल्दी ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, सूनर देन लेटर, ठीक है। और साथ में यूएस ने अपना जो जंगी बेड़ा है, जंगी जहाज जो है वो समुद्र में उतार दिया है इसराइल की मदद के लिए। तो ये कोई बहुत अच्छा सिनेरियो तो नहीं बन रहा है ओवरऑल मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट की जब बात करता हूँ उसके लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, किस तरह से इसकी, अगर मान लिया कुछ वीकेंड पे होता है तो मंडे को इसका क्या असर पड़ता है, उस पर देख लेते हैं एक बार चर्चा करके। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि शुक्रवार को अगर आप चाहे निफ्टी देखो चाहे बैंक निफ्टी देखो, खूब पिटे हैं, लगभग लगभग 1-1% पिटे हैं। और उस दिन या तो फ्लैट ओपनिंग हुई थी इंडाइसिस की, अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। लेकिन निफ्टी मिड कैप की, पहले तो ये देखिए, निफ्टी मिड सेलेक्ट लिखते हैं तब इसका सिंबल सर्च में आता है, निफ्टी मिड सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके सामने। शुक्रवार को ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, शुक्रवार को गैप अप ओपनिंग हुई है साहब। तो जब गैप अप ओपनिंग हुई है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे इंडाइसिस में और इसमें क्या अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ये 0.36% टू बी प्रिसाइज डाउन क्लोज हुआ है, और जो दूसरे जो चाहे वो बैंक निफ्टी चाहे वो निफ्टी, लगभग लगभग 1%, 1.25% के करीब टूटे हैं। तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो कितने टूटे हैं और ये कितने टूटा है, उसमें आपको फर्क नजर आ ही गया। अब ये देख लेते हैं कि इसमें क्या ताकत तुकत बनी हुई है। देखिए, 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा सबसे ऊपर चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है अब इससे। तो क्या इसमें बेयरिशनेस है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, कोई डिप आएगा तो डिप पे क्या हो सकता है, डिप से बाइंग आ जाती है। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे सोमवार 8 अप्रैल पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो उसमें एक डिप आया, लेकिन वहीं से जहां पर डिप आया था वहीं से बाइंग आके ऊपर क्लोज हो गया। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर जब भी कोई डिप आ रहा है तो वहीं से बाइंग आती हुई दिखी है, और ये कोई अब की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप देखें 20 डेमा को, मार्च में इसने जरूर एक न्यूज आई थी, आप लोगों को सबको मालूम है, जब सेबी ने भी कुछ न्यूज दी थी उसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा हुआ। लेकिन अदरवाइज अगर मैं अक्टूबर नवंबर या इवन पीछे से भी बात करूं, जहां से मर्जी देख लीजिए, ये ऐसा इंडेक्स है जिसने भर भर के लोगों को पैसा दिया है, और अ लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत शानदार पैसा बना है। हम इससे पहले की लेवल्स पर बात करें, एक बार को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो शुक्रवार को इसको कर रहे थे सपोर्ट। अब 25 स्टॉक्स हैं निफ्टी सिलेक्ट में, निफ्टी मिड सिलेक्ट में 25 स्टॉक्स हैं, और 10 स्टॉक्स तेज थे और 15 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे। सबसे बड़ा स्टॉक की अगर बात करूं तो दो बड़े स्टॉक्स हैं, इंड होटेल्स और पीएफसी। पीएफसी तो मुझे इन टॉप 5 गेनर्स या टॉप 5 ड्रैगर्स में नहीं दिखाई दे रहा है। इन होटेल्स 2% के करीब तेज चला है, और शायद यही जो इसको संभालने वाला था वो इन होटेल्स ही रहा होगा। लेकिन ये एक ऐसा इंडेक्स नहीं है जहां पर ये कह सकें जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बैंक निफ्टी में, या इवन निफ्टी में रिलायंस एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का है कि उनका बहुत बड़ा वेटेज है। यहाँ पर कोई ऐसा वेटेज का फर्क ज्यादा का है नहीं, कोई 1-1% का ही फर्क, ज्यादा फर्क नहीं डालता। जुबिलेंट फूड्स भी तेज था, क्यूमिंस इंडिया भी तेज था, आइडिया तेज था, और ल्यूपिन भी तेज ही रहा है। वहीं पेज इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर, वोल्टास, हिंद पेट्रो और फेडरल बैंक कर रहे थे पिट शुक्रवार को। इससे पहले कि हम लेवल्स पर बात करें, आइए जरा देख लेते हैं कि क्या कहती है ऑप्शन चेन। हम लोग क्लोज फ्राइडे को जो हुए हैं वो हुए हैं 10,944 पर, 10,944
44 पर। इसका मतलब ये है कि क्या हम 10,925 या 10,950 पर, 10,950 पर इसका मतलब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, पहले 10,950 ही देखते हैं। 10,950 पर अगर आप देखेंगे तो 10,357 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड पे राइट हुए, कॉल राइटर्स ने 10,357 कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे। अब ये कौन लिखते हैं, ये कॉल राइटर्स कौन है? ये कॉल राइटर्स वो हैं जो नहीं चाहते कि 10,950 के ऊपर मार्केट जाए, 10,950 पर। लेकिन आप जब देखेंगे तो LTP देखिए कितना है, 45 रुपीज का, यानी कि ये 10,990, 10,995, या ये कहिए कि सीधा सीधा इसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो 11,000 का स्टॉप लॉस है 10,950 वाले का। तो 10,950 के अगर ऊपर चलने भी लग जाए मार्केट, अगर ओपन हो जाए, तब भी ये अपने आप को कितना सेफ समझ रहा है, आप समझ सकते हैं 11,000 तक अपने आप को ये सेफ ही समझ रहा है। 11,000 के आसपास से ऊपर अगर चलना स्टार्ट होगा तो इसके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तब ये यहाँ से निकलेगा। वही डाउन साइड की बात कर लेते हैं, 10,950 पर क्या पुट राइटिंग है? जी हाँ, यहां पर भी पुट राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। 10,950 पर जो पुट राइटर्स हैं वो 48। इसका मतलब यह है कि 10,900 और एक तरफ 10,900 और एक तरफ 11,000, इसके बीच में अगर मार्केट रहती है तो दिस इज लाइक कि भाई एनी वेज इधर साइड पे जा सकती है। लेकिन हम लोगों को ये ऐसा बता रही है कि ना तो भाई कॉल राइटर्स इतने स्ट्रांग है ना पुट राइटर्स स्ट्रांग है, तो एक कंफ्यूजन की स्टेट बता रही है। और जो राइट करने वाले हैं उनको भी पता है कि भाई 2 दिन 3 रात के बाद जब हम खुलेंगे तो प्रीमियम मीटिंग होगी, प्रीमियम मीटिंग होगी ही होगी। अब आइए जरा देखते हैं कि क्या स्थितियां कहती हैं कि सिचुएशन चार्ट पे क्या कहती है। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम चलें और कोशिश करें देखने की कि लेवल्स कहते क्या हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया 10,950 के आसपास एक बार को रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही बने हुए हैं, यानी कि एरिया ऑफ पेन है। लेकिन लेवल्स हमारे क्या कह रहे हैं, लेवल्स हमारे कह रहे हैं कि अगर 10,976 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो 10,995 तक के एक बार को लेवल्स आ सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यही कहा था 11,000, 10,995, 11,000 पे एक बार को जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पे इसके बाद ही आना स्टार्ट होगा। 10,995 पर एक बार को चांस देगा कि भाई निकल जाओ, अभी भी स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल जाओ उनको। बट अगर कोई नहीं निकलेगा तो दिक्कत में आ सकता है। 10,995 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट हुआ तो फिर 11,000 नहीं, फिर 11,028, 11,028 तक के लेवल सीधे सीधे देखने को हो सकते हैं, पर आप 28, 29 तक के। अब 11,028, 29 क्या है, ये फ्राइडे का हाई भी है। 11,029 अगर पार होता है तो हमारे लिए 11,048 का रास्ता बिल्कुल ओपन हो जाता है अपसाइड के लिए। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 10,950, अब यहां देखिए आपने 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे का एक तरह से रखा है, हमने 950 के ऊपर 976 और यहाँ पे 928। तो अगर 10,928 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो फिर हम लोग आ सकते हैं 10,899 या 10,900 की तरफ, 10,899 की तरफ। 10,899 ब्रीच होता है तो 10,872 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ दिखता है। बट अगर 10,872 भी सपोर्ट टूटा तो 10,850, 10,850, 10,851, दैट इज 10,850, 851 तक के लेवल्स हो सकते हैं देखने को प्राप्त। अब इसमें हमको क्या देखना क्या है, हमको देखना है इन होटेल्स, जुबिलेंट फूड्स, ये दो स्टॉक्स तो देखने ही देखने हैं। इसके साथ साथ आपको PFC और कॉनकोर पर भी रखनी होगी गहरी और तीखी नजर। जो लोग नए हैं बिल्कुल भाई, निफ्टी मिड सेलेक्ट ये याद रखिएगा 25 पॉइंट का इसका स्ट्राइक प्राइस है। और जब 25 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स इसको पकड़ और जकड़ इतनी मजबूत कर लेते हैं कि एक बहुत छोटी सी रेंज में जिस दिन इसकी एक्सपायरी होती है उस दिन घुमा देते हैं। और जब ऐसा होता है ना तो प्रीमियम्स कब स्क्वीज हो जाए, प्रीमियम्स कब खत्म हो जाए पता भी नहीं लगता। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि इसमें जितनी छोटी क्वांटिटी हो उतनी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया जाए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है इसमें कभी ट्रेड, तो भाई पहले वो पेपर ट्रेडिंग पर ही हाथ आजमा के देख लेना। मैं खुद खुद भी इसमें बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ निफ्टी मिड कैप में,
बिकॉज मैंने देखा है कि इसमें ऐसी मूवमेंट ही ज्यादा नहीं होती है, लेकिन लोगों की डिमांड है वीडियो दो, तो भाई ये वीडियो जरूर देता हूं। इससे अलग मैंने निफ्टी बैंक पे और निफ्टी 50 पर अलग से वीडियो भी दे रहा हूँ। दोस्तों याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 2024 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी आना हो खुशी से आ सकता है। 10,000 रुपीज उसका फीस रखा गया, 11 डेज का वो बैच होगा, जो कि आप फोन पे, पेटीएम, जीपे से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर है 7834876736। आई रिपीट द नंबर फॉर फोन पे, पेटीएम, जीपे पेमेंट, 7834876736। सेम नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट के बाद व्हाट्सएप भी कर देना है। 11 डेज का बैच होगा, रात्रि में 9:30 से 10:30 होगा, जूम एप्लीकेशन पर, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्डिंग भी प्राप्त होती है उसके बाद। याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत यहाँ की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से की गई है, बाय सेल की सलाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बात। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी वीडियो को कर चुके होंगे आप लाइक, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी। बाय बाय।